गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक लॉक हुआ हुआ लॉक। आज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर हमने लगा दी इतनी सारी अनार। आप देख सकते हो इस टायर के अंदर हमने इतनी सारी अनार लगा दी। अब बीच के अंदर हम इस लॉक को रख देंगे और इन अनार के अंदर से हम सिर्फ एक अनार को जलाने वाले हैं और उसके बाद एक से इस तरीके से चेन बनने वाली है और सारी अनार जो है ना एक साथ जल जाएगी और उसके बाद देखते हैं कि ये लॉक जो है अनलॉक होता है या फिर नहीं होता है या फिर ये मेल्ट होके किस तरीके से अनलॉक होता है। तो यहाँ पर हम एक अनार को आग जलाने वाले और उसके बाद देखते हैं कि सारी अनार जो एक साथ जलेगी और उसके बाद इस लॉक को किस तरीके से मेल्ट करने वाली है। तो जला दे सारी को। तो गाइस अब मैं जला रहा हूँ एक अनार को और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर चेन बनती है। तो यहाँ पर हमारा अनार जो है वो जल चुका है और ताले के ऊपर मेल्ट होने लग गया। गाइस यार हमारे ताले को आप देख सकते हो किस तरीके का हो चुका है, पूरा ही बारूद से नहा चुका है लेकिन अभी भी जो है ताला अनलॉक नहीं हुआ है और हमारी इसके अंदर से हमारी तीन अनार जो है वो बच चुकी है। तीन अनार के अंदर आग नहीं जली, बाकी सारी की सारी जो अनार हमारी है वो सारी ही जल चुकी है और टायर की हालत आप देख सकते हो किस तरीके की हो गई, इस तरीके की हो। हमारी बाकी सारी अनार जल चुकी है ओनली फॉर तीन अनार को छोड़ के। वो ताला जो है ना इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है और आप देख सकते हो ताले की हालत जो है वो किस तरीके की हो चुकी है लेकिन अभी भी जो हमारा ताला है वो अनलॉक नहीं हुआ। देख सकते हो अभी भी हमारा ताला जो है वो लॉक ही है। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।